अरे मम्मी जी छोड़िए। ओए झोलू पुत्र, मेरे जिंदगी में आज पहली बार तुझसे इतनी ज्यादा खुश हूँ। अरे मम्मी जी टूट गई हड्डी। नहीं पुत्र, मेरी हड्डियाँ बहुत मजबूत है। अरे मैं आपकी हड्डी की नहीं, मेरी हड्डी की बात कर रहा हूँ, टूट गई लगता है। बेटा मुंह नलायका, तूने मेघना को इतने अच्छे से पटाया इसलिए मैं अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। मम्मी जी आप अपनी खुशी का इजहार जब भी करती हो ना मुझे नुकसान ही होता है। आपको याद है जब मैं मैट्रिक में बिना फेल हुए पास हुआ था तब भी आपने मुझ पर फूल फेंका था। हाँ पुत्र याद है, मैंने ना खुशी में तेरा स्वागत किया था। हाँ खुशी में फूल के साथ साथ गमला भी मेरे सर पर फेंक दिया था। एक महीने तक मैं उस हालत में रहा मम्मी जी। आप प्लीज खुशी का इजहार ना करें। समझ नहीं रहा, मैं इतनी खुश थी कि नीचे का गमला मुझे दिखाई नहीं दिया। पर हाँ अगर तू चाहता है मैं अपनी खुशी का इजहार ना करूं तो मैं अपने गम का इजहार करता। खुश रह जवानी अमान, दूधो नहाओ पूतो फलो। पप्पू मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी काम है, तू मेरे कमरे में आएगा है? बोल ना, आएगा? आएगा ना आएगा, आना ही पड़ेगा। क्यों नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आएगा जरूर, आएगा जरूर आएगा। नहीं आएगा तो इस घर से जाएगा। पुत्र तू जा, वो बस आया कि आया। ओके टाटा बाय बाय। बाय बाय टाटा, सी यू अगेन एंड अगेन। ओए पप्पू सुन ना, मौके का फायदा उठा ले। छी मम्मी जी छी, आप मुझे कैसी गंदी गंदी बातें सिखा रही है। अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और आप कह रही है फायदा उठा ले। ओके ओए छोरे आदमी नलायका, वो वाले फायदे की बात नहीं कर रही हूँ, चुपेर मार के तेरा मुंह तोड़ देना मैंने। अच्छा ओके, मैं उसके रूम में जा और उससे डेट की बात कर, ये फायदा उठा ले नलायका। ओके मम्मी जी। अरे कैसा बशर्म लड़का पैदा किया है मैंने। बाबा जी प्लीज प्लीज इस बार इसकी मदद कर देना, इसके साथ झोल करते करते मैं खुद तंग आ गई हूँ। मेघना मैं आ गया। हाय बुलाते ही चलाया है, दौड़ा दौड़ा भाग भाग के बड़ा बेचैन हुआ जा रहा है, क्या बात। वो तुमने बुलाया था ना इसलिए मैं आ गया। वैसे काम क्या है? मेघना अपने सारे काम खुद कर लेती है, इतनी जबरदस्त हूँ मैं समझा, लेकिन तू ठहरा कंजर एक नंबर का, सारा टाइम मेरे आगे पीछे ऐसे चक्कर लगाता रहता है, यू सारा टाइम। बंदा पूछ ही लेता है कॉफी पियोगी या लंच पे चलोगी, पर तू ठहरा एक नंबर का कंजूस कंजर, तू घपोर चंदी रहेगा। आइला ये तो खुद ही डेट पर जाने के लिए इनवाइट कर रही है। मैं भी बस पूछने ही वाला था। कब पूछेगा, कब कब कब, मुहूर्त निकलवाओ तेरे लिए तब पूछेगा। मुहूर्त तो निकालते थे डॉल्फिन डूबे के पिताजी, क्या मुहूर्त निकालते थे। मेघना बस, मुझे डॉल्फिन डूबे के पिताजी के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, चलो ना। अभी नहीं, शाम को चलेंगे 4 बजे हैं। शाम को 4 बजे से मेरा शूट है, अब क्या करूं? तू इतनी गहरी सोच में कहां डूब गया है? मेघना मैं तो ये कह रहा था कि 4 बजे नहीं जाते क्योंकि 4 बजे डेट पे जाने में मजा नहीं आएगा, डेट पे जाने में तो दोपहर में मजा आता है क्योंकि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है ना। ओए चल ठीक है दोपहर में चलते, लेकिन ना तू 5 स्टार में लेके जाएगा, प्रॉमिस कर। क्या 5 स्टार? हाँ तू इतना गहरा क्यों चौंक गया है इतनी जोर से? का यही सोच रहा है ना कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा क्योंकि काम धंधा भी कुछ करता है नहीं और सारा दिन घर में खाली बैठा रहता है, यही सोच रहा है ना? बोल 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 बोल। नहीं नहीं मेघना ऐसी बात नहीं है, हम लोग ना खानदानी रईस हैं, हमारे पास पैसे की भरमार है। चल फिर तय हो गया है, अभी चलते हैं, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आधे घंटे में मुझे यही मिलना। ओके चलो। बहुत बोल दिया पप्पू, अब इसे कैसे 5 स्टार लेके जाएगा, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। चांदनी ओहो, ये मम्मी जी भी ना 72 तरह की सब्जियां बनाने को कहती है। हाय बाबा जी मेरे पास जादू की छड़ी हो ना तो मम्मी जी को सब्जी बना दूं भोपला। सुन तो नहीं लिया, अगर सुन लिया ना तो मेरा मिक्स वेज बना देंगी। मेरा एटीएम, मेरा एटीएम क्या कर रहा है? क्या मतलब? मेरी भाभी भाभी माँ क्या कर रही है? अपनी किस्मत को कोस रही हूँ पप्पू। किस्मत? इसका मतलब किस्मत आहूजा ने फिर से हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया? अरे नहीं मेरे भाई, मैं भगवान को कोस रही हूँ। छोड़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी भाभी प्लीज भाभी, मुझे मेघना के साथ डेट पे जाना है, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, प्लीज मुझे पॉकेट मनी दे दो। इसके फटे हाल होने की बात जानकर मेघना ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो फिर सारी जिंदगी ये मुझसे ही पैसे लेते रहेगा।
ठीक है ठीक है मेरे भाई ठीक है, भाभी माँ समान होती है, मैं अभी आती हूँ। चाइनीज रेस्टोरेंट में खा लेना। थैंक यू भाभी। भाभी साथ में डिजर्ट। हाय बाबा जी, इसका काम कर देना वरना मेरा काम बिगड़ जाएगा। ओए, तू आ गया है? देख देख मैं कितनी जबरदस्त लग रही हूँ, देख। तू यही सोच रहा है ना कि मेघना इतनी जबरदस्त कैसे लग रही, बोलना, यही सोच रहा है? हाँ हाँ हाँ। तुम ये सब क्या है मेघना? ये अच्छा सवाल है, मैं तुझे बताती हूँ सब क्या है। देख, ये है मेरी नई ड्रेस, ये है मेरी नई बैंगल, ये है मेरे नए कान के जॉक्स। कैसे लगे बोल ना, बोल बोल। अरे ये सब तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मेघना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम तैयार क्यों हुई हो? ओहो, जबरदस्त मेघना अपनी जबरदस्त डेट पे जाएगी तो जबरदस्त तैयार नहीं होगी क्या? बोल ना। तू जबरदस्त मेघना को डेट पे लेके जा रहा है जिस 5-स्टार रेस्टोरेंट में, वहां जाने के लिए ये ड्रेस बिल्कुल करेक्ट है, और ये मेरे नए हील वाले सैंडल, ये तो बहुत ही गॉर्जियस है। वैसे हील तुम किसके सर पे फोड़ने के लिए ले जा रही हो? हील तोड़ती थी डॉल्फिन दुबे, वो भी छिछोरे लड़कों के सर पे, समझा? मेघना ये हील्स इसलिए पहनेगी क्योंकि मेघना को कौन सा चलना है, मेघना को तू 5-स्टार रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है तो लंबी गाड़ी तो लेके आएगी, है ना? बोल। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। आइला, इसे तो सब कुछ याद है पर मैं तो इस डेट के बारे में भूल ही गया था। कहाँ से लाएगा बड़ी गाड़ी पप्पू, तेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। मेघना, मैं पता क्या सोच रहा था, दिल्ली में ना गाड़ियां बहुत हो गई हैं और ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है, तो मैं ये सोच रहा था कि हम लंबी गाड़ी में नहीं जाएंगे। गाड़ियों का बहिष्कार कर देंगे तो हम जाएंगे कैसे हैं? हम डीटीसी बस से जाएंगे, मैं 2 पास बनवा लूंगा। जबरदस्त मेघना को तू पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके जाएगा है? किसी ने देख लिया तो मेघना की जबरदस्त इमेज तेरे जैसी हो जाएगी। लेके जाना तो लंबी गाड़ी में लेके जा, नहीं तो डेट कैंसिल, सोच ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, लंबी गाड़ी आ रही है, रास्ते में ही है। चल ठीक है, तू जा और जबरदस्त मैचिंग कपड़े पहन के तैयार हो गया है, जा। ये लो। बड़ी गाड़ी कहाँ से लाएगा पप्पू, तेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, बड़ी गाड़ी का जुगाड़ कहाँ से करूंगा यार? बाबा जी कहीं से जुगाड़ करा दो, कहीं से जुगाड़ करा दो बाबा जी। एक मिनट, लंबी गाड़ी का तो जुगाड़ है, फिरोज भाई से गाड़ी भाड़े पे ले आता हूँ और उसके बाद मेघना के साथ रेडी होके बाहर जाता हूँ। यस। अरे फिरोज भाई बाहर निकलो, बात करनी है। अरे पप्पू भाई, अरे तुम मेरा साइलेंसर क्यों पकड़ो भाई, क्या माइलेज चाहिए? और वैसे तुम मेरे पांव क्यों पकड़ो, क्या काम है बोलो? फिरोज भाई मुझे ना एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए। बड़ी सी गाड़ी चाहिए? हाँ, उस चौराहे पे एक शोरूम है, वहाँ जाके गाड़ी ले ले। वैसे भी तुझ जैसे सड़ेले इंजन में कोई इंजन ऑयल नहीं डालेगा। है? हाँ, मतलब कि तुझ जैसे कंजड़ को कोई नई गाड़ी नहीं देगा। अबे चुप कर भाई, मेरा कहने का मतलब यह है मुझे नई नहीं चाहिए। मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास कोई भी अच्छी पुरानी लंबी गाड़ी हो तो तुम मुझे भाड़े पे दे दो, शाम तक लौटा दूंगा। बस भाई बस, पिछली बार का मोबाइल आयल अभी बाकी है, मतलब कि अभी उधार बाकी है। अरे फिरोज मेरे भाई टेंशन मत ले, मैं तेरे पुराने सारे पैसे चुका दूंगा, ये लो। 100 रुपए रखो यार, तुम भी क्या याद करोगे? अरे तुम्हारा दिमाग का स्पार्क ढीला तो नहीं हो गया? 100 रुपए में कोई कार भाड़े पे देता है क्या? कितना लालची आदमी है तू फिरोज, ऊपर वाला तेरे से जरूर इंसाफ लेगा। चलिए ले 500 रख, अब तो दे दे। ये बात। हाँ, अच्छा सुन। हाँ। ये एक बड़ी कार है जिसे एक कस्टमर ने रिपेयर करने के लिए दिया था, इसे ले जा और उसके आने से पहले सही सलामत ला देना। अरे ला दूंगा यार, तू खामा का टेंशन लेता है, ला दूंगा, ले चाबी तो दे। हाँ ये ले। अच्छा सुन, ये गाड़ी एक खतरनाक डॉन की है। खतरनाक डॉन की? हाँ खतरनाक डॉन। अरे यार अब क्या करूं, अगर गाड़ी नहीं ली तो मेघना बुरा मान जाएगी और फिर मम्मी जी मेरे साथ बुरा कर देंगी। कुछ भी हो यार, वो डॉन मम्मी जी से खतरनाक थोड़ी ना होगा। ठीक है भाई, मैं शाम को गाड़ी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब चुपचाप गाड़ी में चाबी डाल और फर्स्ट गियर डाल के निकल। अबे कम से कम कपड़ा तो मार दिया कर यार, कितनी गंदी हो रही है, तेरे थोबड़े से भी गंदी लग रही है ये। अबे कितना साफ करूं बे, अभी भी तो गया था। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।